या डिस्ट्रीब्यूशन यस टू टू शो वट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग कितना शेयर किस डिविजन को जा रहा है ऑल दैट स्टफ, यस, तो ये काफी ईजी हो जाता है इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप टेबल्स, यस जब ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जब पाई चार्ट में होता है तो इट बिकम्स ईजी क्योंकि विजुअली भी आप देख सकते हैं कि एक डिविजन से प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है दूसरे डिविजन से कम आ रहा है सो वट राइट अनदर थिंग एज विथ पाई चार्ट में हैवी डेटा नहीं दे सकते राइट बिकॉज देर इज जस्ट वन चार्ट कितना डेटा भर सकते हैं टेबल में यू कैन एड मेनी ग्रिज एंड गो ऑन विद द अमाउंट ऑफ डेटा बट विद पाई चार्ट देर इज वेरी लिटिल डेटा बट स्ट्रॉग वन राइट सो डेटा हैवी नहीं होगा इट वॉन्ट भी डेटा हैवी लाइक टेबल्स और ग्राफ्स बट देन इट इज़ मोर यूज टू टॉक अबाउट यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन राइट शेयर बताने के लिए होता है या चलो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट हाउ टू रीड पाई है ना पाई चार्ट को पढ़े कैसे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लो यस yes. इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि ये पाई चार्ट किस चीज के बारे में है एनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट एनी डिविजन एनी सेक्टर कुछ भी वो इंस्ट्रक्शन में होगा डोंट फर्गेट टू रीड दैट फर्स्ट नेक्स्ट रीड द टाइटल ऑफ द पाई चार्ट कोई भी चार्ट है पाई चार्ट है कोई भी चार्ट है टाइटल पढ़ना मत भूलो क्योंकि देयर कुड भी मल्टीपल यस ईयर अलग हो सकता है डिविजन्स अलग हो सकते हैं सेक्टर्स अलग हो सकते हैं या नेक्स्ट कैटेगरीज के लेबल्स पढ़ लो कैटेगरीज ये वॉट डिफरेंट फोर फाइव सिक्स कैटेगरीज दिए हुए रीड दैट केयरफुली रॉ डेटा दिया जा सकता है पाई चार्ट में दे कैन गिव यू रॉ डेटा डायरेक्टली जैसे लेट्स से रेवेन्यू की बात की है तो रुपीज में डॉलर्स में दे सकते हैं uh, अगर लोगों की बात की डायरेक्ट नंबर्स में दे सकते हैं और दे कुड गिव यू इन फ्रैक्शन दैट इज इधर यूजिंग परसेंटेज परसेंटेज में दे सकते हैं कि थर्टी परसेंट पीपल रीड न्यूज पेपर वन फोर्टी परसेंट पीपल रीड न्यूज पेपर टू द रिमेनिंग थर्टी परसेंट पीपल डोंट रीड न्यूज एट ऑल राइट एंड इट कुल्सो भी गिवेन इन डिग्रीज तो डिग्रीज के बारे में बात करेंगे राइट इन द नेक्स्ट लाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कई बार ये भूल जाते हैं दिस विल अप इन योर फेस प्लीज दिस इन माइंड एक्स्ट्रा नोट करो वेन एवर देर स्केल्स एंड यूनिट्स गिवेन यस जब भी स्केल दिया है इन हंड्रेड्स थाउजंड वॉटेवर जब भी यूनिट्स दिए हुए हैं ग्राम्स किलोग्राम्स वॉट एवर प्लीज हैव अ लुकआउट ऑन दम अगर हो सके तो उन्हें लिख के रख लो ठीक है अपने रफशीट में ये सब लिख के रख लो छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ये एक चार्ट है जनरल चार्ट राइट जैसे मैंने बोला था कि डेटा आपको रॉ रॉ डेटा हो सकता है डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं परसेंटेज में दे सकते हैं डिग्रीज में दे सकते हैं ना सो हियर वी बीन गिवन इन परसेंटेज यहाँ पे हमें जो डेटा है वो परसेंटेज में दिया हुआ वी हैव फोर देखिए ये टाइटल होगा यहाँ पे दिस इज द टाइटल ऑफ द चार्ट कि ये जो पाई चार्ट है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस चीज का है राइट विच पीपल रीडिंग पेपर नंबर ऑफ पीपल बाइंग पेपर और लॉड ऑफ थिंग्स गो इन द राइट टाइटल पढ़ना बहुत जरूरी टाइटल के साथ साथ ये रहे आपके डिविजन यस दिस कैटेगरीज इसे हम बोलते हैं की की को भी पढ़ लो यू नीड टू नो विच कलर रिप्रेजेंट्स वॉट या कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम सोचते हैं सब कुछ ऑर्डर में होगा इट्स नॉट नेसेसरी राइट द ऑर्डर गिवन हियर एटलीस्ट हियर इट इज द सेम बट टू योर माइंड ये क्या करेंगे यहां पे जिस ऑर्डर पे आपको प्रेजेंट किया है और यहां पे जिस ऑर्डर में दिया वो उल्टा सीधा हो सकता so, lookout, हो है सो प्लीज बी ऑन द लुकआउट ठीक है यहां पर अब डेटा दिया हुआ है परसेंटेज में ये देख लो टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस फोर्टी हंड्रेड परसेंटेज कभी भी ये कंप्लीट होता है बट अंडर रेयर सर्कमस्टांस जैसे अगर यही बोला है कि एटी परसेंट ऑफ रेवेन्यू का ये शेयर है राइट सो देन देर कुड बी अ मेस अपर इसे ट्वेंटी परसेंट बोल सकते हैं आई होप दिस राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर आर रीडिंग ऑल ऑफ दिस ठीक है अब ये डेटा परसेंटेज में दिया हुआ राइट लेट्स टेक एज एन एग्जाम्पल लेट्स एक के ये जो है ऑल ऑफ दिस डेटा इज फॉर सम थर्टी मिलियन रुपीज ठीक है ये रेवेन्यू है किसी कंपनी का थर्टी मिलियन रुपीज में तो वन इधर गिवेट टू यू इन परसेंट अल्टरनेटिवली वो क्या कर सकते हैं रॉ डेटा दे सकते हैं इन चल ऑफ से ये पूरा हंड्रेड परसेंटेज इज थर्टी मिलियन दे वु रैदर से ये जो ब्लू कैटेगरी है इस थ्री मिलियन रुपीज ये जो डॉलर्स uh, है क्या ठीक है थ्री मिलियन डॉलर्स ये जो ट्वेंटी परसेंटेज है वो सिक्स मिलियन डॉलर्स जो थर्टी परसेंटेज है वो नाइन मिलियन डॉलर्स और जो फोर्टी परसेंटेज है वो ट्वेल्व मिलियन डॉलर्स यस येस दे गिव इट टू यू लाइक दिस इंस्टेड ऑफ परसेंटेज अगर परसेंटेज हटा दें यस देन देसो द टोटल शुड एड अप टू थर्टी मिलियन एंड इट डस ठीक है ये ध्यान में रखना आपको द थर्ड थिंग सो रॉ डेटा देख लिया परसेंटेज देख लिया द थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी इन डिग्रीज डिग्रीज का कैसा सीन है काफी सिंपल जैसे टोटल फुल कंप्लीट हंड्रेड परसेंटेज होता है तो इन अ सर्कल व्हाट डू वी सी द होल थिंग इज व्हाट 360 डिग्रीज है ना पूरा जो ये सर्कल है वो 360 डिग्रीज है इन 360 डिग्रीज को अभी स्प्लिट गया किया गया या फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज 36 डिग्रीज दिस इज 72 टू डिग्रीज दिस इज 108 एंड डिग्रीज एंड दिस इज एम ऐसे ही छोड़ दिया इसे या सो वट हैपन्स योर या फिर कर लो ये दिस इज वन फोर्टी डिग्रीज ठीक है अब इसका क्या मतलब है वट डज दिस मीन दिस मीन्स दैट थर्टी सिक्स डिग्रीज फॉर थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री थर्टी सिक्स डिग्रीज थर्टी सिक्स डिग्रीज फॉर एवरी थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री इज हाउ मच टेन परसेंटेज समझ में आ रहा है सो थर्टी मिलियन का टेन परसेंटेज थ्री मिलियन डॉलर इज फॉर द फर्स्ट कैटेगरी ये सेम वे सेवेंटी टू डिग्रीज फॉर थ्री सिक्सटी डिग्रीज इज हाउ मच ट्वेंटी परसेंटेज तो ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ थर्टी मिलियन डॉलर्स सिक्स मिलियन डॉलर्स आई होप येटिंग इट राइट सो डेटा रॉ दे सकते हैं डायरेक्टली परसेंटेज में दे सकते हैं एज अ फ्रैक्शन या फिर एज अ फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज ठीक है कीप दिन माइंड तीन थ्री वेज इन विच डेटा कुड बी गिवन टू सेस में आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन भी दे सकते हैं रैर केसेस में डायरेक्ट फ्रैक्शन दे सकते हैं थ्री बाई टेन आई होप येटिंग दिस राइट तो फ्रैक्शन में अगर दे दे तो भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है सो द बेस्ट वे इज टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन परसेंटेज अगर परसेंटेज में है वैल्यूज दी है तो

ड्यूरिंग ट्रिप इन ओवरऑल बजट फॉर ये देखो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पे दी गई है 80, रुपीज. तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यून ट्वेंटी फाइव परसेंट एटी नाइन ट्वेंटी थ्री इज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ दिस एटी थाउजें रूपी दट मिस्टर वन हैड स्पेंट ठीक है uh, यहां है राइट गिवन वॉट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डिफरेंट कैटेगरी फूड है अकोमोडेशन लोकल ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवल शॉपिंग एंड मिसलेनियस प्लीज कीप इन माइंड एवरीथिंग इज इन द राइट ऑर्डर यस कभी कभी ये ऑर्डर में नहीं रहता सो हैव टू केयरफुल अबाउट दैट ठीक है तो फटाफट से कैलकुलेटर निकालते राइट वी कैन डू द कैलकुलेशन नाउ इफ यू वॉन्ट या फिर जब क्वेश्चन अराइज होगा तभी करते चलो तभी करेंगे राइट लेट्स डू द कैलुलेन ओनली वन द क्वेश्चन कम्स सो हिअर्स आर हिअर्स क्वेश्चन लुक एट इट मैं साइड हो जाता हूँ राइट सो हियोर वी हैव वन टीटा क्वेश्चन प्लीज कीप दैट इन माइंड टा क्वेश्चन द वंस दैट यू शुड नॉट स्किप अंडर एनी सर्कमस्टेंस कोई भी सिचुएशन कैसे भी सिचुएशन आ जाए टीटा क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है क्योंकि कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता उसमें ठीक है सो टीटा क्वेश्चन है एक वी हैव वाज़ वॉज अमाउंट स्पेंट ऑन लोकल ट्रेवल इजिली ढूंढ सकता है लोकल ट्रेवल का परसेंट हमें दिया हुआ है अमाउंट स्पेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल इज वट परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन मिसलेनियस ढूंढ सकते हैं आफ्टर स्पेंडिंग ऑन मिसलेनियस एंड अकोमडेशन हाउ मच मनी वॉज इलेफ्ट विद रिमेनिंग मनी ढूंढना है ईजी वट इज द रेश ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन फूड अकोडेशन एंड लोकल ट्रैवल टू स्पेंट ऑन इंटरनेशनल शॉपिंग एंड रेशियो ढूंढना है वो भी आसानी से हो जाएगा इफ द कॉस्ट इंक्लूडेड टैक्स ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा इसको बाद में देखते हैं ठीक है चलो सो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस पॉज मार के सॉल्व करना पॉज कर लो स्टार्ट सॉल्विंग द फाइव क्वेश्चन आपका चार्ट था प्रीवियस स्लाइड में नाउ एय गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम एंड स्टार्ट सोल्विंग इट ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द अमाउंट स्पेंट ऑन लोकल ट्रेवल ये हम क्या करने वाले वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज बिफोर हैंड क्योंकि आराम से कर सकते हैं लेट्स डू वन वैल्यू एट अ टाइम ठीक है कैलकुलेटर मैंने खोल लिया है ऑल्सो गाइस इफ यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर प्लीज कीप इन माइंड कि कैलकुलेटर आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होना चाहिए फिजिकल कैलकुलेटर नहीं फोन्स पे कैलकुलेटर नहीं नंबर टू इफ यू आर यूजिंग अ कैलकुलेटर स्टार्ट यूजिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ माउस अपना पीसी या डेस्कटॉप है उसे ओपन करो कैलकुलेटर खोलो कीबोर्ड को साइड में रखो माउस से करो क्योंकि कैट में भी वैसा ही है ठीक है ओके सो व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ऑन लोकल ट्रैवल लोकल ट्रैवल कहाँ है ये रहा ग्रे एरिया

Uh, should a little less than, थोड़ा कम मैंने उल्टा लगा दिया यहां पे साइन कोई दिक्कत नहीं नहींसेंटेज नाइन टेन परसेंटेज एट थाउजेंड से थोड़ा सा कम एट थाउजेंड नहीं सिक्स हंड्रेड ज्यादा है सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड बहुत ही ज्यादा कम है कैलकुलेशन yes, आपने देख लिया अप्रोक्सीमेशन कर लो जहां कहीं पर भी आपके पास स्कोप है वरना सिंपल है 9 into 80, 000,

इंटरनेशनल ट्रेवल इज ट्वेंटी थ्री परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड बिफोर रीडिंग द कंप्लीट क्वेश्चन स्टॉप डूइंग कैलकुलेशन कैलकुलेशन में मत घुसो डोट वेस्ट टाइम देर ओके इज वॉट परसेंटेज ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिसलेनियस का कितना है मिसलेनियस इज ट्वेल्व परसेंटेज राइट सो टेज ऑफ एटी थाउजेंड हमें यह ढूंढना है

यस, वी हैव टू गो फॉर द क्लोजेस्ट इंटीजर राउंड ऑफ करना है यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ट्वेंटी थ्री इज क्लोजेस्ट टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व इज टू हंड्रेड अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है यूज योर कैलकुलेटर ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इन टू हंड्रेड इज वन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन अगर आपने गलती से टू हंड्रेड कर दिया प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू मेक दिस मिस्टेक ठीक है क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं यू आर इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर नॉट बाई वन

डेसिमल नहीं पूछा है इंटीजर पूछा है सो क्लोजेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी वट पॉइंट फाइव से ज्यादा है सो राउंडेड ऑफ टू वन नाइन टू टू ठीक है क्योंकि पॉइंट थ्री 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 ही दूर है वन नाइन टू से सो योर राइट आंसर इज गोइंग टू बी वन नाइनटी टू ट्रैप आंसर इज गोइंग टू बी टू हंड्रेड क्योंकि अगर आपने ये अप्रोसीमेशन वाली गलती कर दी नंबर टू वन नाइन वन विल ऑल्सो बी अ ट्रैप आंसर ठीक है अप्रोक्सिमेट करना है टू द क्लोजेस्ट इंटीजर डन इजी स ब्यूटीफुल चलो अगला क्वेश्चन चलेंगे स्पेंड किया था एंड अकोमोडेशन अकोमोडेशन पे कितना स्पेंड किया था अकोमोडेशन इज एटीन परसेंटेज Yes. यस पे भी स्टॉप कैलकुलेटिंग इमीडिएटली ये कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन मत करो एल टेल यू वाई हमें क्या ढूंढना है हाउ मच मनी वॉज ही लेफ्ट तो आउट ऑफ टोटल हंड्रेड परसेंटेज उन्होंने ट्वेल्व और एटीन स्पेंड कर दिया मतलब कितना थर्टी परसेंटेज स्पेंड यस सो रिमेनिंग क्या हो जाएगा रिमेनिंग क्या हो जाएगा हंड्रेड परसेंटेज में से अगर उन्होंने थर्टी परसेंटेज स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग हो गया सेवेंटी परसेंटेज गेटिंग दिस यस सेवेंटी परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड क्या होगा टेन परसेंटेज एंड एट थाउजेंड सीवेज गोइंग टू डू द कैलेशन द मोस्ट एफिशियंट वे ताकि आप उसमें टाइम ना स्पेंड करें नॉर्मली हम क्या करते करते फर्स्ट फाइंड आउट ट्वेल्व परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड दो जीरो कैंसिल हो गया सो दिस इज नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर आप वापस 18 परसेंटेज ढूंढते 18 इन टू एट थाउजेंड बाई हंड्रेड है ना तो वो दो जीरो मैंने निकाल दिया दिस इज 14400 फिर हम इन दोनों को ऐड करते 9600 फिर इसे रिमूव करते 80,000 से 56000 वी डायरेक्टली गॉट दैट राइट सो कीप दिस अ हैबिट मेक हैबिट कि अपना जो कैलकुलेशन है उसे थोड़ा एफिशियंट बनाए राइट आराम से जब करोगे तब होगा जल्दी जल्दी में अगर करोगे तो आप यू विल यूसो एंड डूइंग आई डिड ऑन द कैलकुलेटर यस आराम से सोच समझ के करोगे तो यू विल स्पेंड लेस टाइम ऑन डूइंग द कैलकुलेशन बिट ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन वेरी गुड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड अकोमोडेशन लोकल ट्रेवल तो फूड प्लस अकोमोडेशन प्लस लोकल ट्रैवल ये ओवरऑल का रेशियो ढूंढना है किसके साथ तो अमाउंट स्पेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल प्लस शॉपिंग एंड शॉपिंग प्लस है ना ये हमें ढूंढना है इनका रेशियो Again, रेशियो अगेन है एवरीथिंग इज परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड सम परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड तो वो एटी थाउजेंड और परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा सिंपली जस्ट एड फूड का कितना है ट्वेंटी फाइव अकोमोडेशन का कितना है एटीन लोकल ट्रैवल का कितना है लोकल ट्रैवल इज नाइन इसका रेशियो ढूंढना है दिस एंटायर सम इसका रेशियो ढूंढना है विथ रिमेनिंग ठीक है यहां पे भी आप थोड़ा सा यू you नो know, ले, लेजी राइट right? आलसी बन सकते हैं एफिशिएंट बोलते हैं उसे बट नॉर्मली पीपल मिस्टेक इट टू बी लेजीनेस ठीक है आलसी बन सकते हैं अगर आप ये ढूंढ ले तो दिस इज वॉट हंड्रेड माइनस दिस ठीक है ये अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है लेट मी शो यू ठीक है ये तीन हो गया नेक्स्ट रिमेनिंग इज वॉट इंटरनेशनल ट्रैवल इज ट्वेंटी थ्री परसेंटेज प्लस थर्टीन परसेंटेज प्लस ट्वेल्व परसेंटेज है ना टेक्निकली ये करना है आर गोइंग टू ऐड दिस दिस इज ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी टू अगर ये फिफ्टी टू परसेंटेज है तो ये बाकी का होगा क्योंकि छह में से तीन हमने यहाँ ले लिए तो बाकी के तीन यहाँ पे हंड्रेड माइनस फिफ्टी टू इज फोर्टी एट खत्म ठीक है या फिर अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो सी दिस विल एड अप टू फोर्टी एट इस न ईज आउट ऑन द कैलकुलेशन यू कैन सेव सम टाइम जितना टाइम आप इसमें इसे बचाओगे ना ये सब आप बहुत भारी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप स्पेंड कर सकते हो अब आगे आया कैलकुलेशन का फोर्टी एट इज डिविजिबल बाई फोर फिफ्टी टू इज्सो डिविजिबल बाई फोर दिस इज गोइंग टू बी फिफ्टी टू थर्टीन फोर टाइम्स एंड दिस इज ट्वेल्व फोर टाइम्स थर्टीन इज्वेल इज आर आंसर थर्टीन इज टू टा है ऑप्शन सी यस डन है गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है

सो ऑलवेज रिमेंबर टू लुक एट द क्वेश्चन अलॉन्ग विद द चार्ट जब आप चार्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शन देखते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं उसके साथ साथ अपने सारे क्वेश्चन तीन चार पांच छह जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन को देख लो और फिर फिगर आउट करो कि सब हमें रॉ डेटा चाहिए या नहीं चाहिए मोस्ट केसेस में हमें रॉ डेटा की जरूरत नहीं थी जहां पर भी थी हम तब तक वहां पर ही कैल्कुलेट कर लिए हमें पूरा पूरे, पूरे छः का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी ठीक है मूविंग ऑन

ट्वेंटी परसेंटेज टैक्स ऑन इट है ना ट्रू वैल्यू तो था उसके ऊपर ट्वेंटी परसेंट टैक्स मिला के वो अकोमोडेशन चार्ज था वॉट वॉज द ट्रू अकोम चार्ज ये वैल्यू क्या था पूछ रहे हैं दिस वॉज वॉट ठीक है सॉल्व करने के लिए हमें क्या डेटा चाहिए फर्स्ट अकोमोडेशन पे कितना स्पेंड किया था अकोमोडेशन इज हियर विच इज एटीन परसेंटेज है अकोमोडेशन वॉज वॉट एटीन परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड यहां पे वी वी माइट माइट नीड नीड टू टू डू गो फॉर द एक्चुअल वैल्यू ठीक है क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगा एनी वे शुड बी इक्वल टू वट एवर इज द ट्रू वैल्यू प्लस ट्वेंटी परसेंटेज उस पर लगा था ट्वेंटी परसेंट टैक्स किस पे लगता है ऑन द ट्रू वैल्यू इस पे लगता है नॉट नॉट ऑन ऑन दिस दिस वैल्यू है ना ओवरऑल वैल्यू पे नहीं लगता जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पर ट्वेंटी परसेंट टैक्स लगता है राइट सो दिस बिकम्स क्विकली लेट्स इरेज दिस एक्स्ट्रा ऑफ अब ये क्या हो जाता है दिस इज हंड्रेड परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू प्लस ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू हंड्रेड परसेंटेज प्लस ट्वेंटी परसेंटेज कितना हंड्रेड एंड ट्वेंटी परसेंटेज करेक्ट आ रहा है ट्रू वैल्यू इज दिस एटीन परसेंटेज ऑफ एटी थाउजेंड ये कितना हो गया अमाउंट निकाल लेते क्योंकि एनी विच वे आगे करना ही है कैलकुलेशन तो अभी कर लोन परसेंट एटीन परसेंट ऑफ एट थाउजेंड एटी थाउजेंडिड बाई हंड्रेड विच झट हंड्रेड इज नाटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड यस

टैक्स ऑन फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड टैक्स कभी भी किस पे कैल्कुलेट होता है ट्रू वैल्यू पे ट्रू वैल्यू पे टैक्स होके फिर इंक्लूसिव आपको फाइनल प्राइज मिलता है फाइनल प्राइस पे टैक्स नहीं कैलकुलेट करते फिर तो वो बढ़ते जाएगा साइकिल में बढ़ते जाएगा फोटी थाउजेंड फोर हंड्रेड पे आप ट्वेंटी परसेंट बढ़ाओगे फाइनल वैल्यू आएगा उस पर वापस ट्वेंटी परसेंट फाइनल वैल्यू फाइनल वैल्यू चलता रहेगा राइट इटन मेक सेंस राइट इन्फिनिट लूप चलता रहेगा वहाँ पे सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस राइट सो आर आंसर इज वॉट ट्वेल्व थाउजेंड विच ऑप्शन ए ट्रैप आंसर देखो ट्रैप आंसर्स वन सेवेंटी टू टू एटी क्या हो सकता है फोटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पे फोटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पे अगर आप ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज करते हो विच इस सेवनटीन थाउजेंड टू एटी ये ट्रैप है आपका दिस इज योर ट्रैप यस क्या किस किस बेसिस पे ट्रैप लगा है कि इफ यू मेक द मिस्टेक ऑफ नॉट कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन ट्रू वैल्यू इन स्टेड यू कैलकुलेट द टैक्स ऑन ओवरऑल वैल्यू ठीक है वो गलती है ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो अल अलग ही नंबर दे रखा है कुछ ठीक है सो प्लीज बी केयरफुल इट इज नॉट कैन नॉट बी डिटर्मेंड ऑल्सो क्योंकि हमारे पास सब कुछ डेटा है ऑल ऑल पीसेस ऑफ डेटा इज अवेलेबल सो इज नॉट कैन नॉट भी डिटर्मेंड ऑल्सोर आंसर इज ट्वेल्थ थाउजेंड बेसिक सा सेट लिया अपन ने वी वी वेरी सेट राइट फिगर्ड आउट हाउ टू रीड द चार्ट वी फिगर आउट वेदर वी नीड एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और नॉट ठीक है तो कभी भी ध्यान में रखो वेन एवर यू रीड द चार्ट चार्ट इंस्ट्रक्शन जब भी आप पढ़ो उसके साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर चॉइस भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट डो नॉट लूज आउट ऑन टीटा क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन आर ईजी गिवि अवेस है ना उसमें कोई आपका नेगेटिव मार्क नहीं है तो वेदर और नॉट यू नो हाउ टू आंसर एट भले आपको टीटा क्वेश्चन आंसर करना नहीं आता हो फिर भी ये ध्यान में रखो कि उसे आंसर करके आओ क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है ठीक है चलो first set done any questions any queries please drop it in the comment section and if you are ready for the second set drop a yes in the chat but after chat me yes drop karo if you are ready for the second set chalo let's not spend any more time chalte hain second set ki taraf here it is in front of you chart diya hua hai ये पाई चार्ट नहीं है इसे डोनट चार्ट बोलते हैं तो ओनली डिफरेंस बिटवीन अ पाई एंड अ डोनट इस डोनट में बीच में खड्डा है पाई में नहीं है सिंपल सा फंडा है राइट right? अगर इसे भर दें दिस थिंग वॉज फील्ड यस अगर ये फील्ड होता है तो यह पाई चार्ट बन जाता है ऐसा ठीक है चलो एनी वे सो पाई चार्ट एंड डोनर चार्ट आर वन एंड द सेम ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज विद क्वेश्चन दिया हुआ है कोई दो कंडीशन दिए हुए हैं चार्ट की तरफ आप अगर देखोगे तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ओके देर आर फोर डिविजन गिवेन बट यू फाइंड समथिंग यहां पर कोई एक्स डिग्रीज है वाई डिग्रीज है वन थिंग डेटा हमें डिग्रीज में दिया हुआ है सेकेंड थिंग एक्स डिग्रीज बाई डिग्री मतलब कोई अनोन है

द चीफ अकाउंटेंट ऑफ समथिंग डिपेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंट डिविजन ऑफ कॉट इन कर दियर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड ट्वेंटी का जो भी कॉस्ट था उनका दट इज गिवे एक्स एंड वाई आर इन द रेस्ट एक्स और वाई के कोई डिटेल्स दिए गए हमें राइट वी डोंट नो वॉट इज द टोटल रेवेन्यू कहीं दिया हुआ टोटल कॉस्ट क्या है इज इट गिवेन नो सो हम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते इसे दट मीन्स थर्टी सिक्स डिग्रीज इज बेसिकली वॉट टेन परसेंटेज है ना थर्टी सिक्स डिग्रीज थर्ट सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी थर्टी सिक्स डिग्रीज

एक्स इज नाइन वाई इज एट ए देश शुड बी इक्वल टू एटी फाइव परसेंटेज मैं डिग्रीज में कर ही नहीं रहा हूं लेफ्ट डिग्रीज साइडिंग विद परसेंटेज ठीक है तो यह क्या हो गया नाइन प्लस एट इज सेवनटीन सो सेवनटीन एज एटी फाइव परसेंटेजी प्लस ए इज गोइंग टू बी फाइव परसेंटेज मेक सेंस

फोर्टी परसेंटेज ये फोर्टी फाइव रॉ मटीरियल वॉज टेन परसेंटेज मैनुफैक्चरिंग इज फोर्टी परसेंटेज पैकेजिंग कैलकुलेशन टू फिगर आउट डिविजन का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होगा डन yes. अब आगे क्या करेंगे हम वी विल क्विकली डू द कैलकुलेशन ऑल्सो यस वापस लिख लेते हैं दिस वॉज टेन परसेंटेज दिस वॉज फोर्टी दिस इज फाइव एंड दिस इज फोर्टी फाइव परसेंटेज ठीक है यहां पे अब क्या बोला गया है द सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से रॉ मेटीरियल कॉस्ट फॉर दर टू ट्वेंटी रॉ मेटीरियल रॉ मेटीरियल क्या है टेन परसेंटेज तो मैंने फटाफट से एक टेबल बना दिया है दैट वी आर गोइंग टू यूज डिग्री में नहीं करेंगे राइट नो पॉइंट इन डूइंग इट इन डिग्री क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही करना है भले ही डिग्री में करो परसेंटेज में करो एक ही बात है सिंस वी आई एम गोइंग टू पुट इट इन दिस दिस इज इज लेबर एंड मैनुफैक्चरिंग इज फोर्टी ठीक है दिस वी नो या अब यह क्या बोल रहे हैं रॉ मेटीरियल का मतलब क्या मिलियन बेसिकली फोर हंड्रेड थाउजेंड करेक्ट फोर मिलियन विल बी फोर फॉलोड बाई सिक्स जीरो मिलियन में एक जीरो कम हो जाएगा फोर फॉलोड बाई फाइव जीरो फोर हंड्रेड थाउजेंड को स्केल डाउन करेंगे हम फोर हंड्रेड के लिखेंगे ठीक है ताकि हम जीरो के पीछे कोई गलती ना करते

yes indian national rupees this is 4 million rupees done all pieces of data we know raw material mein kitna spend hua tha packaging mein kitna labor mein kitna manufacturing mein kitna we have all this data now is there any missing pieces no to ye puzzle jo tha hamare samne wo solve ho gaya ab hum questions ki taraf badhenge theek hai so here are the questions ये मैंने table yahan पे लगा दिया. hai the one that we figured out ठीक है? overall value कितना था इसका? 4 million okay 4 million rupees वापस dollars आ raha hai आदत नहीं है ना वी वी डोंट से फोर मिलियन राइट वी से फोर्टी इसीलिए चलो कोई दिक्कत नहीं फोर मिलियन रुपीज है ऑल दिस डेटा आई एम गोइंग टू यूज दिस नाउ अब पाई चार्ट की कोई जरूरत नहीं है नाउ वी डोंट नीड टू यूज द पाई चार्ट एनी मोर वाई बिकॉज वी हैव द रॉ डेटा हियर ओके क्वेश्चन है वी हैव फाइव क्वेश्चन वी हैव वन टीटा क्वेश्चन द फर्स्ट वन पहला वाला क्वेश्चन टीटा है मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ फॉर पीपल हु वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीन शॉट एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस ठीक है गो गोहेड डू दैट हो गया

आप इफ यू टाइप दिस यू स्टिल एंड अप लूजिंग आउट मार्क्स क्यों क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सिंपल पूछा है इन मिलियन रूपीज यस वॉच आउट फॉर द स्केल मैं हर वक्त बोलता हूँ ये अब हम इजी तीन मार्क्स यहाँ पे गवा देते हैं भले मार्क्स नहीं है दैट्स ओके, बट क्वेश्चन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन सो दिस वॉट थ्री मिलियन फोर हंड्रेड थाउजेंड दट्स बेसिकली थ्री पॉइंट फोर मिलियन है ना नॉर्मली कैट में नॉर्मली इन कैट हैव स्टॉप आस्किंग टीटा uh, क्वेश्चन वाले फ्रैक्शनल वाले पूछना बंद कर दिए बट स्टिल आई डोंट यू टू लूज टच फ्रॉम इट ठीक है तो अपना आंसर क्या होगा 3.4 मिलियन मिलियन टाइप करोगे नहीं यू आर टाइपिंग वॉट यू विल टाइप थ्री पॉइंट फोर दैट सेट ठीक है अब ये 3.4 भी आप कैसे टाइप करेंगे हाउ विल यू टाइप टेक्स्ट बॉक्स होगा टीटा क्वेश्चन के लिए उसके नीचे होगा नंबर पैड ठीक है टाइपिंग पैड होगा जहां पे सारे नंबर्स होंगे फ्रॉम जीरो टू नाइन

नो मार्क्स फॉर द स्टेप्स नो मार्क्स फॉर द एफर्ट्स नो मार्क्स फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड नो गलत है तो गलत है सो हेव टू बी सुपर केयरफुल हाई अलर्ट में रहना आपको whenever you come across scale, okay? चलो पहला क्वेश्चन गुड लेट्सोक्स टू एबल्टज वर्सेंटेज ऑफ द रिमेनिंग थ्री कॉस्ट पैकेजिंग कॉस्ट इज वॉट परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग थ्री कॉस्ट अगर आप ये क्वेश्चन इफ यू आर डूंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट वैल्यूज तो आपको एड करना पड़ेगा

रॉ मेटीरियल प्लस लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग इन टू हंड्रेड करना है करेक्ट क्योंकि याद है हमने प्रीवियस केस में देखा था रेशियो वाले क्वेश्चन में वन ग्रुप इज टू द रिमेनिंग क्या करोगे हंड्रेड माइनस सुपर सो फाइव डिवाइडेड बाई फाइव परसेंटेज डिवाइडेड बाई हंड्रेड परसेंटेज से फाइव परसेंटेज निकाल दिया कितना बचेगा नाइनटी फाइव परसेंटेज करेक्ट इन टू हंड्रेड दिस इज फाइव परसेंटेज ऑफ फोर मिलियन रुपीज दिस इज नाइन्टी फाइव परसेंटेज ऑफ फोर मिलियन फोर मिलियन फोर मिलियन कट गया परसेंटेज परसेंटेज कट गया वैव फाइवी करेक्ट वन बाई नाइनटीन इंटू हंड्रेड इज योर आंसर वन बाई नाइनटीन इंटू हंड्रेड इज गोइंग टू बी योर आंसर आपको पता है कि वन बाई ट्वेंटी अगर होता इफ दिस वॉज वन बाई ट्वेंटी तो आंसर होता फाइव परसेंटेज करेक्ट क्योंकि हुआ सो ट्वेंटीड कैंसिल होके फाइव आता डिनोमिनेटर ट्वेंटी से छोटा है अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा सो सोर आंसर शुड बी अ लिटिल मोर देन परसेंटेज आ गया समझ में देख लो आंसर चॉइसेस में परसेंटेज से थोड़ा बड़ा. बहुत, बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा दिस हैज टू बी योर आंसर बट अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं कि सर ऐसे मेरे को रिस्क नहीं लेना है पूरा मेहनत मैंने कर दिया अब इतने से के लिए मैं क्यों रिस्क लू फटाफट कैलकुलेटर निकालो गो वन बाई नाइनटीन इन टू हंड्रेड यू विल है

अपने को बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है तो क्या करना है कैलकुलेटर है अपने पास यस यूज डन चलो दो क्वेश्चन हो गए वेरी गुड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन 2020 में हमारा ओवरऑल कॉस्ट कितना था 4 मिलियन करेक्ट अब ये क्या बोल रहे है? कि 2021 में

ज देर एनीथिंग गिवेन इन टर्म्स ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन क्या हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि यह जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला है यह जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिला है सेम फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जरूरी नहीं है हर साल बदल सकता है नहीं भी बदल सकता हो तो सकता है बट नहीं भी तो हो सकता है राइट सो कैन बी कैन बी अस्यूम के ये सेम टेन परसेंटेज फाइव परसेंटेज फोर्टी फाइव फोर्टी परसेंटेज दिस इज गोइंग टू रिमेन ऑब्वियसली नॉट राइट तो अगर यह परसेंटेज सेम नहीं होगा तो इज देर एनी वे वी कैन कैलकुलेट दिस ये कैलकुलेट हो सकता है क्या कि रॉ मटेरियल्स पे कितना स्पेंड किया था इन 2020 इट वाज 10 परसेंटेज करेक्ट 10 परसेंटेज था 2020 में तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2021 में भी 10 परसेंटेज था इज देर एनी वेयर गिवेन के परसेंटेज सेम है एवरी ईयर नहीं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टेन परसेंटेज ऑफ फाइव मिलियन इज फाइव मिलियन यस पॉइंट मिलियन ऑप्शन में भी दे रखा है सबसे पहले क्या ये सही होगा

कैन नॉट बी डिटर्मिन क्यों क्योंकि वी डू नॉट है इन सफिशियंट डेटा क्लियर बट अगर क्वेश्चन में कहीं दे देते द डिविजन द डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग इज द सेम इन टू तब आपका आंसर होता या गया? Yes, ये काफी है ट्रैप है जो क्वेश्चन uh, सेटर्स ले करते हैं ठीक है कॉफी काफी कॉफी नहीं कॉफी चाय कॉफी नहीं काफी कॉमन ट्रैप है इन ट्रैप्स में वही लोग गिरते हैं जो जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं राइट सो यू हैव हैव टू टू कीप इन माइंड दैट यू डू इट क्विक क्विक बट नॉट हेस्टिली और हेस्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है यस क्विक इज इंक्रीजिंग योर स्पीड बट कीपिंग योर फोकस एट द सेम प्लेस ऑन द अदर हैंड हेस्टी क्या होता है जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा do that, है स्क्रिबलिंग एंड डूइंग डोंट डू दैट ठीक है आराम से करना लेट्स डू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ फ्रॉम द सेट इफ द रेवेन्यू इन 2020 चलो हम, हमें कॉस्ट के बारे में बात की गई थी वी we वर स्पीकिंग ऑफ कॉस्ट बट हियर वी बीन गिवन द रेवेन्यू यस रेवेन्यू मतलब क्या अपना सेलिंग प्राइस बेसिकली ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू कितना प्रॉफिट इन परसेंटेज हमें हमने ये कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द चार्ट एंड टू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के कॉस्ट हमारा कितना था फोर मिलियन है ना 4 मिलियन फोर मिलियन हमारा कॉस्ट था रेवेन्यू फाइव मिलियन है हमें पता है कि प्रॉफिट इज गोइंग टू बी वॉट प्रॉफिट क्या होगा रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना सो फोर पॉइंट टू माइनस फोर कितना हो गया मिलियन अब ये क्या पूछ रहे हैं कि ये प्रॉफिट जो है इन्हें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है सो ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट द अमाउंट प्रॉफिट इन रूपीज ऑन द कॉस्ट प्राइस यस yes, ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू पे नहीं कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है तो प्रॉफिट बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू हंड्रेड व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट प्रॉफिट कितना है 1.2 मिलियन कॉस्ट प्राइस कितना है 4 मिलियन इनटू हंड्रेड कैलकुलेट कर लो मिलियन मिलियन कैंसल दिस इज 1 4 3 टाइम्स इज 12 सो 0.3 टाइम्स विल बी 1.2 0.3 100 कितना 30 परसेंटेज ओके okay? है ज कैलकुलेटर की कोई जरूरत है नहीं यहां से हम इंस्टेड कॉस्ट प्राइस इन द डिनोमिनेटर अगर मैं सेलिंग प्राइस ले लेता हूँ रेवेन्यू लेता हूँ फाइव पॉइंट टू वेरी कॉमन मिस्टेक दिस इज अगेन वी वुड गेट ट्वेंटी थ्री परसेंटेज ये आपका पहला ट्रैप ट्रैप नंबर वन यस पहला ट्रैप क्या है इंस्टेड ऑफ टेकिंग कॉस्ट प्राइज इन द डिनिनेटर अगर हम सेलिंग प्राइज ले लें दैट विल बी योर आंसर गलत आंसर येस थर्टी थ्री परसेंटेज का कॉमन कन्फ्यूजन यही है कि हमें पता है वन बाई थ्री इज थर्टी थ्री वन बाई थ्री इज थर्टी थ्री गलती से यहाँ पे वन बाई थ्री अगर आप कर दो येस देन यू एल एंड ऑफ गेटिंग दस तो ये कैलकुलेशन पे ट्रैप है ये yes. और ये जो फाइनल वाला ट्रैप है सेवेंटी सेवन परसेंटेज ये मैंने क्या सोच के लगाया सिंपल अगर मैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइज ऑन सॉरी प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइज अगर मैं गलती से कॉस्ट प्राइस दैट इज फोर मिलियन बाई द रेवन्यू फाइव पॉइंट टू अगर ये कर तो गेटिंग दिस। 77. गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में बहुत सारा डेटा जब सामने होता है राइट ऑल ऑफ दीज आर ट्रैप आंसर्स प्लीज बी वेरी केयरफुल नॉट टू लूज योर फोकस अपना जो फोकस है हमेशा यू हैव टू मेक इट ऑन द राइट आंसर ठीक है तो लर्न टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस लर्न टू अवॉइड फॉलिंग इन दिस काइंड ऑफ ट्रैप्स यस ये ट्रैप में आप कब नहीं गिरेंगे वन वेन यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नंबर टू जब आपने कैलकुलेशन ध्यान से कर रहे हो ठीक है लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर ऑफ सेट नाउ हियर देव गिवेन सम इंफॉर्मेशन ठीक है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है क्या बोल रहे हैं इफ इट कॉस्ट फाइव रुपीज पर यूनिट फॉर पैकेजिंग फाइव रुपीज पर वन यूनिट ऑफ पैकेजिंग बोल रहे हैं ये एक यूनिट का पांच रुपए

यहां पे जो भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड में आप जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वट एवर यूर मल्टीप्लाइंग टू मेक दस ये सेम यहां पे मल्टीप्लाई करना है तो फाइव को टू हंड्रेड करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे इन टू फोर्टी और टू हंड्रेड के करना है तो इन टू फोर्टी के यहां पे अगर आप इंटू फोर्टी के कर रहे हो तो यहां पर भी इंटू फोर्टी के यू विल डू वन इंटू फोर्टी के इज हाउ मच फोर्टी के सो फोर्टी के यूनिट्स दैट्स नथिंग बट फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स ठीक है ये हो गया डायरेक्ट अगर आपको यूनिटरी मेथड में करना है यूनिटरी मेथड क्या होता है यूनिटरी मेथड इज वेन इंस्टेड ऑफ़ फाइव रुपीज यू गोर वन रूपी यस फाइव रुपीज पे यू हैव वन यूनिट तो वन रूपी पे आपका कितना हो जाएगा वन बाई फाइव यूनिट्स तो टू हंड्रेड थाउजेंड रुपीज पे कितना हो जाएगा टू हंड्रेड थाउजेंड बाई वन बाई इंटू वन बाई फाइव यूनिट है या फिर कैलकुलेटर यूज करो काम खत्म करो टू हंड्रेड थाउजेंड तो टू हंड्रेड थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव इज हाउ मच फोर्टी थाउजेंड डन यस गेट यूज टू यूजिंग लर्न टू स्केल देम डाउन थाउजेंड्स में है तो के मिलियंस में तो एम बिलियंस में तो बी यस लर्न टू डू दैट ठीक है आप ये जितना करोगे उतना आपका कैलकुलेशन प्रोसेस आसान रहेगा फास्ट रहेगा एट द सेम टाइम यू विल नॉट एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक्स विद जीरो यस क्योंकि आंसर चॉइस उसी बेसिस पे बनाया देखो आंसर चॉइस क्या है फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड थाउजेंड जीरो में आप एक जीरो ऊपर नीचे कर दोगे यहां पे आपको उसका असर दिखेगा ठीक है सो आर आंसर इज फोर्टी थाउजेंड योर इट इज एवरीथिंग एल्स इज अ ट्रैप लेड फॉर द मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक विद द जीरोस डन है गाइस यस सो आई होप यू अंडरस्टूड दीस टू सेट्स ऑब्वियसली आई वांट यू टू प्रैक्टिस अ लॉट मोर क्योंकि दीज आर ओनली इनफ टू गेट द कॉन्सेप्ट्स राइट बट देन टू गेट यूज्ड टू द पाई चार्ट्स है ना पाई चार्ट से आप अपना जो रिलेशनशिप है इफ यू वांट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर देन यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस आपको कहां मिलेगा यू विल फाइंड द प्रेक्टिस इन द डीपीस ये डोंट फर्गेट टू डू दाउनलोड करो डीपीपीस कोस आई क्लोज द कैल्कुलेटर डाउनलोड द डीपी पीस वो चेक दम आउट सॉल्व दम आराम से कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो ड्रॉप इन द कॉमेंट्स ये अ फ्यू थिंग्स टू रिमेम्बर ये मैं हर सेशन के एंड में बोलता हूँ ताकि यू नो द मोर आई रीआइट्रेट दीज थिंग्स आपको बेटर याद रहेगा राइट वन रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट वेरी केयरफुली यस जो भी इंस्ट्रक्शन है जो भी टाइटल है जो भी स्केल है यूनिट्स है ये सब जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है

एंड ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर लुकिंग एट द चार चार्ट के बाद आप क्वेश्चन भी देखेंगे ऑप्शन भी देखेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए कि आगे का स्टेप क्या होगा वॉट शुड बी ऑर अप्रोच यस सो आई होप ऑल ऑफ दीज आर क्लियर आई होप आप बाई चांस में और कम्फर्टेबल हो जाए डोंट फर्गेट टू सॉल्व द डीपी पीस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज फील फ्री ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड ऑल ऑफ देम एंड आई विल ऑल्सो आंसर द रेलोवेंट वन यस सो प्लीज कीप इन माइंड गाइस डरने की क्या है बात जब एम बी ए वाला है आपके साथ आर राइट गाइस ऑल द बेस्टर्स See you.